हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे, 9.2 इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे थे हम। 13 के फोर्थ पार्ट तक तो हमने करवा दिए थे। अब देखो बेटा आगे फिफ्थ पार्ट, और इसका फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक जैसे से ही हैं। सुनो, करें साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/ में साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। हमें इंटीग्रेट करना है। थोड़ा याद करो, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले याद करो। हमें साइन का इंटीग्रेशन आता है, कोस का आता है, अब तो टेन का भी फॉर्मूले याद कर लिया, कोट का, सिकेंड का, को सिकेंड का। अब देखो बेटा, 1/sin है। अगर सिर्फ यही टर्म होती तो ऊपर जाके कोसिकेंट हो जाता, हम कर सकते थे। लेकिन दूसरी टर्म और भी है हमारे पास, और उसका एंगल अलग है। यानी कि इसके बीच में जो प्रोडक्ट है ना, हमें उससे दिक्कत है। अगर एज इट इज ये यू का यूँ रहेगा तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और बेटा आप ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें तो आपको खास कर ध्यान रखना ही पड़ेगा। सीधा सब्स्टिट्यूशन की बजाय हम कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इधर देखो बेटा, हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। ये हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं। अब वो कॉन्स्टेंट चाहे हमारा 2 हो, 4 हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, तो उसी तरह से इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने कॉन्स्टेंट क्या लिया, ध्यान से सुनना, साइन बी माइनस ए। ए और बी कॉन्स्टेंट है। अगर ए और बी कॉन्स्टेंट है ना, तो साइन बी माइनस ए भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। जैसे अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है तो फिर साइन अल्फ़ा भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन बी माइनस ए से डिवाइड कर दिया। नॉर्मली हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई और कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब जिस कॉन्स्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया है, थोड़ा सोच समझ के ही किया है। देखो बेटा, 1/ में साइन बी माइनस ए, इसको तो एज इट इज रहने दो। मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास बी माइनस ए है, तो हम उस बी माइनस ए को एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख सकते हैं। इसको खोल के देखो, ये क्या आएगा, एक्स माइनस ए माइनस का एक्स और माइनस माइनस प्लस का बी, और एक्स से एक्स कट गया तो बी माइनस ए बचा या नहीं बचा। यानी कि बी माइनस ए को इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास एक्स माइनस ए भी आ जाए और एक्स माइनस बी भी आ जाए। देखो, जो ऊपर साइन बी माइनस ए था, उस बी माइनस ए को लिख रहे हैं हम एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। अब जैसे इसको लगा लो आप ए और इसे कहो बी, तो ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, 1/sin b माइनस ए एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने ऊपर फॉर्मूला लगा दिया साइन ए माइनस बी का, तो क्या लिखा जाएगा, साइन ए साइन एक्स माइनस ए साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। अब बी का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस बी। फॉर्मूला खोल दिया, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म थी, फॉर्मूला खोलने के बाद उसको दोनों के नीचे सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी, और यहाँ पर भी लिख रहे हैं साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी, और इस पूरे के साथ डी एक्स, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो बेटा, यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम यहाँ देखें तो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी। 1/ में साइन बी माइनस ए तो एज इट इज, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, देखो इसका एंगल भी एक्स माइनस बी, इसका एंगल भी एक्स माइनस बी, तो कोस अपॉन में साइन कोट एक्स माइनस बी आएगा। माइनस में यहाँ पर क्या आएगा, कोस बाई साइन कोट, लेकिन एंगल क्या है, एक्स माइनस ए डी एक्स, ये आ गया। अब देखो, कोट का हमें इंटीग्रेशन आता है, तो इसके अंदर हमें सब्सटीट्यूशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एंगल ही कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो 1 by sin b माइनस है तो बाहर एज इट इज, और कोट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन, और एंगल क्या है x माइनस बी, और नीचे एंगल का डेरिवेटिव करेंगे लेकिन x माइनस बी का क्या आएगा 1, माइनस में कोट x माइनस ए का लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन लेकिन एंगल क्या आएगा x माइनस ए, और नीचे एंगल का डेरिवेटिव 1, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 1 अपॉन में साइन x माइनस ए इंटू में साइन x माइनस बी था। अब देखो बेटा इसी का जो अगला पार्ट है, एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टेटमेंट, 1 अपॉन में ध्यान से देखना क्या चेंज है उसमें, साइन x माइनस ए इंटू में कोस x माइनस बी। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, देखो इसमें दोनों टर्म साइन की थी, यहाँ एक टर्म साइन की, एक टर्म किसकी कोस की, मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों टर्म साइन की हो चाहे दोनों टर्म कोस की हो तो हमेशा साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर दोनों टर्म अलग अलग हैं, एक साइन की है और एक कोस की है, तो हम जहाँ साइन बी माइनस ए ले रहे हैं ना वहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए कोस बी माइनस ए लेंगे, इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर डिनोमिनेटर की दोनों टर्म सेम फंक्शन में हैं, दोनों साइन और दोनों कोस, तो हमें साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अगर दोनों अलग अलग है तो कोस बी माइनस ए से करना है। ऐसा इसलिए करना है, अगर आप यहाँ पर कोस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो यहाँ कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद, ध्यान से सुनना, दोनों टर्म यहाँ कोस की आती और यहाँ दोनों टर्म किसकी आती साइन की, तो ये दोनों कट जाएंगी, ये दोनों बच जाएंगी। जब ये दोनों कोस की टर्म बचेंगी ना, तो एक तो बनेगा आपका कोट एक्स माइनस बी और एक बनेगा आपका कोट एक्स माइनस ए। अब कोट एक्स माइनस बी और कोट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन तो आता है, लेकिन जब ये दोनों टर्म प्रोडक्ट के अंदर आएंगी, जब अगर यहाँ बीच में इंटू आ जाएगा ना, तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंटू की वजह से तो हमने अरेंजमेंट की थी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, दोनों टर्म सेम होती है ना सेम, तब तो करना है साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई, और जब अलग अलग होती तो किससे करना है कोस से, बाकी आगे सारा सेम। देखो 1 अपॉन में कोस बी माइनस ए तो एज इट इज, जब याद करो बी माइनस ए को हमने क्या लिखा था एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये चीज़ कैसे याद रहेगी आपको, नीचे जो फंक्शन है ना उनके एंगल एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी हैं, तो उनके एंगल की फॉर्म में ही बी माइनस ए को क्या करना है अरेंज करना है। अब देखो ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कोस ए माइनस बी का, यहाँ लिख रही हूँ कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस एक्स माइनस ए इंटू में कोस बी एक्स माइनस बी, प्लस में क्या आएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म थी उसको दोनों के नीचे अरेंज कर दिया, यहाँ पर भी लिख दो साइन एक्स माइनस ए इंटू में कोस एक्स माइनस बी, और यहाँ भी लिख दो साइन एक्स माइनस ए इंटू में कोस एक्स माइनस बी डी एक्स, लिख दिया। अब देखो कोस को लेने से क्या फ़र्क पड़ा यहाँ पे, यहाँ कोस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये कोस अपॉन में साइन क्या बचेगा कोट एक्स माइनस ए, और प्लस में साइन अपॉन में कोस है तो कोई बात नहीं, ये क्या बच जाएगा टेन एक्स माइनस बी, टेन और कोट हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो कोट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स माइनस ए, नीचे एंगल का करेंगे तो वन, प्लस में जब टेन का करेंगे तो टेन का होता है माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स माइनस बी, और नीचे एक्स माइनस बी है तो उसका डेरिवेटिव वन, और प्लस में क्या आएगा सी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हम नहीं कर सकते, अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो आपको 9.2 एक्सरसाइज तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, 9.1 और 2 दोनों ही। देखो बेटा ये दे दिया 1 अपॉन में अंडर दी रूट 1 माइनस में साइन एक्स को क्या करना है इंटीग्रेट,
नॉर्मली ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में भी डल सकता था कि भाई क्या करो, सिंपलीफाई करो, मतलब जितना सिंपल बना सकते हो बनाओ। ये क्वेश्चन सेवन चैप्टर में भी था कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, डेरिवेटिव। तो अब जैसे ही हम वन के साथ साइन देखते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए साइन को किस में चेंज करेंगे, कोस में। देखो अंडर द रूट वन माइनस साइन की जगह मैंने कोस लिख दिया तो इसका एंगल पाई बाई टू माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा। नॉर्मल सा हम ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट यूज करते हैं, फॉर्मूला बन गया। अब देखो वन माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वेयर पाई बाई फोर माइनस में एक्स बाई टू आ गया डी एक्स। अब टू पे तो रूट लगा रहेगा, कॉन्स्टेंट हमने बाहर छोड़ दिया, साइन पे स्क्वेयर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा और ये पाई बाई फोर माइनस में एक्स बाई टू आ गया डी एक्स। और वन बाई साइन क्या लिखा जाएगा, कोसिकेंट, तो ये आ गया कोसिकेंट पाई बाई फोर माइनस में एक्स बाई टू डी एक्स। और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स, लेकिन एक्स का काम कौन कर रहा है, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, माइनस में आएगा कोट कोट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब ध्यान से सुनो, डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव और पाई बाई फोर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा जीरो और माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का वन बाई टू और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ से सी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, हम जैसे ही वन माइनस साइन देखेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए साइन को किस में चेंज करेंगे, कोस में। फिर देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट इम्पोर्टेंट है, साइन एक्स अपोन में अंडर द रूट वन प्लस में साइन एक्स। अगर ऊपर साइन एक्स नहीं होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही बन जाता, साइन को कोस में बदलते, वैसे ही करेंगे आगे तो जाके हम, लेकिन पहले हम इस साइन को सोल्व करेंगे। देखो बेटा इस साइन को सोल्व करने के लिए जैसा रूट के अंदर है वैसा बनाने के लिए हमने वन ऐड कर दिया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या करना है आपको, वन प्लस में साइन एक्स के नीचे अंडर द रूट वन प्लस में साइन एक्स को सेपरेट कर दिया, माइनस में वन के नीचे भी अंडर द रूट वन प्लस में साइन एक्स को सेपरेट कर दिया। आप सुनो ध्यान से, ऊपर वन प्लस साइन एक्स की वन पावर है, नीचे हाफ पावर है, तो हाफ कैंसिल होके ऊपर कितनी आ जाएगी, हाफ, और माइनस में वन अपॉन में रूट वन प्लस में साइन एक्स डी एक्स। अब मेरे ख्याल में समझ गए होंगे हम क्या करेंगे, दोनों जगह साइन की जगह क्या लिखेंगे, कोस, फॉर्मूला बनाएंगे। क्योंकि अगर आप यूँ कहो कि मैडम वन प्लस साइन एक्स का सीधा इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या हम इसका वन प्लस साइन एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन में वन बाई टू प्लस वन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा। पावर में वन ऐड करके इंटीग्रेशन सिर्फ एलजेब्रिक के केस में होता है, और उस एलजेब्रिक में भी हमारा अंदर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पे वन प्लस में फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने साइन एक्स को क्या लिख लिया, कोस पाई बाई टू माइनस में एक्स। इस साइन को भी क्या लिख दिया, कोस पाई बाई टू माइनस में एक्स डी एक्स। देखो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर द रूट टू कोस स्क्वेयर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, माइनस में वन अपॉन में अंडर द रूट टू कोस स्क्वेयर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स आ गया। देखो टू पे तो रूट लगा रहेगा, कोस के स्क्वेयर से रूट कैंसिल हुआ तो कोस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू आ गया, माइनस में ये वन बाई ये रूट टू अंदर मल्टीप्लाई में रख लेना, ये वन बाई रूट टू हमने बाहर ले लिया, कोस के स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा और जब हम कोस को ऊपर लिखेंगे तो सीकेंट आएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखो रूट टू तो एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, एंगल का करेंगे तो पाई बाई फोर का जीरो और माइनस एक्स बाई टू का क्या आएगा, माइनस वन बाई टू। उसके बाद माइनस वन बाई रूट टू तो एज इट इज, और हमें सीकेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स, लेकिन एक्स का काम कौन कर रहा है, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, प्लस में आएगा टेन पाई बाई फोर माइनस में एक्स बाई टू, और डिवाइड में याद रखना हमें एंगल का डेरिवेटिव करना है, तो पाई बाई फोर का तो जीरो और माइनस एक्स बाई टू का माइनस वन बाई टू। एक बात ध्यान रखना,
हम एक बार ही लिखेंगे, कहीं एक बार इसका एंगल ले लो माइनस वन बाई टू, एक बार इसका, इस फंक्शन का एंगल लेंगे जिसमें पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है और माइनस एक्स बाई टू का क्या आएगा, माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स। देखो बेटा हमें साइन का इंटीग्रेशन आता है, कोस का आता है। अगर वन बाई साइन होता तो हम कर देते कोसिकेंड लिख के, वन बाई कोस को सिकेंड लिख के कर देते, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ बीच वाले प्लस के साइन से है और इसके तीनों ही पार्ट एक जैसे से ही हैं। देखो बेटा हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे, ध्यान रखना कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं। हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला सिर्फ इसलिए कि या तो हमें साइन ही नज़र आए यहाँ पे, कहने का मतलब है एक ही फंक्शन होना चाहिए चाहे साइन का हो चाहे कोस का हो। देखो बेटा फॉर्मूला बनाने का रूल क्या है, आपको यहाँ साइन एक्स के इंटू में जो नज़र आया, आप जैसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो वन तो है, यहाँ पर भी कोस एक्स के इंटू में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो वन तो है, हम उसको पुट कर रहे हैं। देखो बेटा मैंने वन को पुट कर दिया आर कोस थीटा, ध्यान से सुनो, दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये टर्म साइन की है, साइन की इंटू वाली टर्म को ना कोस के फॉर्म में पुट कर लो। जैसे हमने चार फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, एक तो बेटा साइन ए प्लस बी का, ठीक है, एक साइन ए माइनस बी का, एक कोस ए प्लस बी का और एक कोस ए माइनस बी का, ठीक है। अब सुनो, अगर इन चार में से यहाँ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो दो ही फॉर्मूले बन सकते हैं, या तो बनेगा साइन ए प्लस बी का क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बीच में प्लस का साइन है, या बनेगा कोस ए माइनस बी का। तो आपके सामने दो ही ऑप्शन है कि या तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाओ या कोस ए माइनस बी का बनाओ। हम साइन ए प्लस बी का बना रहे हैं। अब इतना याद तो आपको होगा ही कि अगर साइन का फॉर्मूला बना रहे हो तो साइन वाले फॉर्मूले में एक टर्म साइन की होती है इनटू में दूसरी टर्म कोस की होती है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, समझ गया नहीं। इसलिए हमने वन को पुट किया आर कोस थीटा, यानी कि कोस की फॉर्म में कहा और तुम ये कहो मैडम आर और थीटा क्या है, तो ये कॉन्स्टेंट हम आगे ले जाके इस चीज़ को प्रूव कर देंगे, ठीक है। और कोस के इंटू में जो वन है ना उसको मैंने पुट कर दिया आर साइन थीटा, क्योंकि साइन के फॉर्म में एक टर्म साइन की होती है दूसरी किसकी होती है, कोस की। अब देखो वन को कह रहे हैं आर कोस थीटा, कौन से वाला वन, ये वाला, इस वन को क्या कह रहे हैं आर साइन थीटा। अभी कहो मैडम आर और थीटा को एक्सप्लेन करो, तो वो भी हम कर देंगे, चलो यहीं पर कर देते हैं। इसको कह दिया फर्स्ट और इसको कह दिया सेकंड। अगर हम इन दोनों को स्क्वेयर करके ऐड करें तो वन का स्क्वेयर वन प्लस में वन का स्क्वेयर वन इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। आर स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या बनेगा वन, और इधर वन प्लस वन कितना आ गया टू, तो आर की वैल्यू रूट टू आ गई कि नहीं आ गई। ये तो क्लियर हो गया कि आर क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा के लिए देखो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। जब तुम आर साइन थीटा को किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा, आर कोस थीटा से, और उधर वन बाई वन क्या आएगा वन, तो आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा पर में कोस थीटा वन के इक्वल। अब टेन थीटा अगर वन है तो थीटा कितना होगा पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर भी कॉन्स्टेंट, रूट टू भी कॉन्स्टेंट। तो हमने जो आर और थीटा यूज किए थे वो हमने क्या यूज किए हैं, कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट की तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन में इस वन की जगह मैंने आर कोस थीटा रख दिया, इनटू में साइन एक्स यहाँ पहले से ही था, इस दूसरे वन की जगह आर साइन थीटा रख दिया और इनटू में कोस एक्स था ही और ये डी एक्स। फिर मैंने यहाँ से आर कॉमन ले लिया और कॉमन लेके बाहर भेज दिया क्योंकि क्या है, कॉन्स्टेंट है। देखो बेटा आपका क्या बचेगा, कोस थीटा इनटू में साइन एक्स प्लस में साइन थीटा इनटू में कोस एक्स। नॉर्मली मैं कह सकती हूँ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, वो आपकी मर्जी है, ए का काम एक्स से करवा लो, बी का काम थीटा से करवा लो। अब तुम थीटा प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस थीटा हो तो एक ही बात रहेगी। तो वन बाई आर तो एज इट इज। अब आप देख लो यहाँ दो फंक्शन थे,
एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने साइन में, इसीलिए हमने ये सारा बीच वाला किया, इसीलिए हमने फॉर्मूला बनाया है, क्योंकि 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट लिख सकते हैं, एक्स प्लस थीटा डी एक्स, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन हमें आता है, तो 1/r तो एज इट इज, कोसिकेंट क्या क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट, तो कोसिकेंट किसका क्या आएगा, एक्स प्लस थीटा, माइनस में कोट, एंगल क्या है, एक्स प्लस थीटा, और डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव, और जब एंगल का डेरिवेटिव करने लगे तो एक्स का तो होगा 1, और प्लस में थीटा कांस्टेंट है तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और प्लस में क्या आएगा, 80, लेकिन लास्ट में आप आर को आर नहीं रखोगे, आर की जो वैल्यू आई थी वो रखो, उसके बाद लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट, और एक्स प्लस थीटा किसका क्या रखना पड़ेगा बेटा आपको, पाई बाई 4, माइनस में कोट, एक्स प्लस में पाई बाई 4, डिवाइड में 1, और प्लस में क्या है, सी, मतलब हम इसको बहुत सिंपल भी बना सकते थे, रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, लेकिन ये सारा आपको इसलिए समझाया क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें इसी तरह से करना पड़ेगा। मेन बात ध्यान रखो, साइन और कोस के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए दिमाग में रखो कि साइन के इंटू वाली टर्म को कोस में पुट कर दो और कोस के इंटू वाले को साइन में पुट कर दो, और जो आर और थीटा आप यूज कर रहे हो ना उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि क्या ले रहे हैं, हमें कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। देखो बेटा, सेकेंड पार्ट इसका, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है सीकेंट एक्स अपोन में ए प्लस में बी टेन एक्स डी एक्स। अब देखो, जैसे एकदम से इसको देखते तो ये क्वेश्चन नहीं दिमाग में बैठ रहा कि पिछले वाले मेथड से होगा, पर आप ये बताओ, अगर हम टेन एक्स को टी पुट करते हैं, अगर सब्सटीट्यूशन वाला मेथड लगाते हैं तो टेन का डेरिवेटिव तो सीकेंट स्क्वेयर होता है। अब सीकेंट स्क्वेयर तो हमारे पास नहीं है, देखो टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर, सीकेंट स्क्वेयर हमारे पास नहीं है, तो हम एक बार इसको साइन बाई कोस के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। देखो, सीकेंट को 1/cos x लिख सकते हैं, ए प्लस में बी टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स लिख सकते हैं डी एक्स। हमने कोस एक्स एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स डी एक्स ये आ जाएगा। अब देख लो, अब साइन और कोस की टर्म आ गई, साथ में ए और बी आ रहे हैं तो वो तो कॉन्स्टेंट है, जैसे 1 और 2 होते हैं। तो अब अच्छे से देखो आपको पुट कैसे करना है, वही चार फॉर्मूले आपके सामने हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला बनाना है, हम हर बार साइन वाला ही फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये बताओ, ए को साइन की फॉर्म में पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो दूसरी टर्म है ये किस में है, कोस में, तो मैंने ए को पुट कर दिया आर साइन थीटा, और मैंने बी को पुट कर दिया आर कोस थीटा। क्यों? क्योंकि बी के इंटू वाली टर्म किस में थी, साइन में। आप चाहे कोस का फॉर्मूला बनाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर हम यहाँ आर और थीटा को निकाल के दिखाना चाहे तो दिखा सकते हो, इसे फर्स्ट कह दो, इसे सेकंड कह दो, दोनों को जब हम स्क्वेयर करके ऐड करेंगे तो इधर तो आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आई, और आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है क्योंकि ए और बी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट। इधर देखो, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, जब r साइन थीटा को r कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा a बाई बी, तो r से r कैंसिल हो गया, साइन थीटा पोन में कोस थीटा a बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, a बाई बी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स a बाई बी। a और b अगर कॉन्स्टेंट हैं तो टेन इनवर्स a बाई बी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। अब जाओ इंटीग्रेशन में, 1 अपोन में इस a की जगह मैंने पुट कर दिया r साइन थीटा इंटू में कोस एक्स, प्लस में बी की जगह पुट कर दिया आर कोस थीटा इंटू में साइन एक्स डी एक्स। आर कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। देखो भाई, यहाँ से साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, वो आपकी मर्जी है, एक्स प्लस थीटा लिखो या थीटा प्लस एक्स। अब एक फंक्शन आ जाता है, एक फंक्शन आ गया तो हम 1/sin को कोसिकेंट एक्स प्लस थीटा कह सकते हैं, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन हमें आता है क्या होगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट माइनस में कोट, और नीचे एंगल का करेंगे तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और थीटा का हो जाएगा 0, और उसके बाद जहां आर है वहां पे तो रखना रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और जहां पे थीटा है वहां पे रखना टेन इनवर्स ए बाई बी, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा।
नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास है, वन अपॉन में साइन एक्स प्लस में रूट थ्री कोस एक्स। तो वैसे हमें अरेंज करना है क्योंकि दो टर्म है, एक साइन की एक कोस की, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा। देखो बेटा हम कैसे पुट करेंगे, ये टर्म साइन की है तो इसके इंटू में वन तो होगा, उस वन को हम पुट कर रहे हैं आर कोस थीटा। साइन के इंटू वाली टर्म उठाते हो तो उसको कोस की फॉर्म में पुट करो, और कोस के इंटू वाले उठाते हो तो उसको साइन की फॉर्म में पुट करो, और यहीं पर आर और थीटा भी निकाल लिया करो आप। जब इन दोनों में स्क्वेयर करके ऐड करेंगे तो वन का स्क्वेयर वन, रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री, यहाँ से आएगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये आर स्क्वेयर रह जाएगा, अंदर फॉर्मूला बन गया वन, और आर की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई, टू आ गई। यहाँ से देखो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो आर तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आएगा टेन थीटा, और उधर आएगा रूट थ्री अपॉन में वन, तो थीटा हमारा पाई बाई थ्री हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री पे टेन थीटा कितना होता है, रूट थ्री। अब आ जाओ यहाँ पे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन में, वन की जगह मैंने रख दिया आर कोस थीटा, इंटू में हमारे पास था साइन एक्स, प्लस में रूट थ्री की जगह रख दिया आर साइन थीटा, इंटू में हमारे पास था कोस एक्स डी एक्स। यहाँ देखो आर कॉमन ले लिया, कॉमन लेके आर को तो बाहर भेज दिया, अब हमारे पास क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, उसमें अब थीटा प्लस एक्स कह दो या एक्स प्लस में क्या कह दो, थीटा, तो वन बाई आर तो एज इट इज, और वन बाई साइन क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट एक्स प्लस में थीटा डी एक्स आ जाएगा, तो वन बाई आर तो यूं कहीं बाहर लिख दो, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस थीटा माइनस में कोट एक्स प्लस थीटा, डिवाइड में करेंगे एंगल का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव वन और थीटा का हो जाएगा जीरो, उसके बाद जहां आर है वहां पे तो आर की जगह क्या रखेंगे, टू, और लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस में थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई थ्री, माइनस में कोट यहां पर एक्स प्लस में पाई बाई थ्री, और प्लस में क्या आएगा, सी। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने, ध्यान रखने हैं, जब भी ऐसे साइन और कोस आ जाए, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, तो इस तरह से हम पुट करके पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मूला, जिससे एक फंक्शन आ जाएगा, और एक फंक्शन चाहे वो साइन बने चाहे कोस बने, कोसिकेंट का भी हमें इंटीग्रेशन आएगा, अगर कोस बनेगा तो सिकेंट का भी हमें इंटीग्रेशन आता है।